हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। हम एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम थ्योरम 8.9 करेंगे। तो देखते हैं इस थ्योरम में क्या गिवन है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट्स कौन से हुए? ये ए बी और ए सी है, जो ई और एफ पॉइंट्स है ये मिड पॉइंट्स हुए। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, तो लाइन सेगमेंट कौन सा हुआ? ई एफ। ये लाइन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है ऑफ टू साइड्स, ए बी और ए सी को, इस पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये बी सी के पैरेलल है। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है वो हमें देखना है। तो गिवन हमारे पास है इन ट्रायंगल ए बी सी, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। क्लियर? अब प्रूव क्या करना है, पैरेलल शो करना है हमें, ई एफ पैरेलल टू बी सी। अब ये हमारी कौन सी थ्योरम है, इसे हम मिड पॉइंट थ्योरम बोलेंगे, क्योंकि ये मिड पॉइंट्स की बात है तो इसको मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं। और मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव करने के लिए, एक तो ये जो अपोजिट साइड से, इसे हम पैरेलल दिखाएंगे, ई एफ इक्वल सॉरी ई एफ पैरेलल टू बी सी एंड ई एफ जो है बी सी की हाफ है, तो क्या ई एफ इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम प्रूव करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। थ्योरम नंबर 8.1 सॉरी 8.9 जो है, इसमें मिड पॉइंट की बात है, ये मिड पॉइंट थ्योरम है। एक बार हम मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट में हम इसका कन्वर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब गिवन से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी ई एंड एफ आर, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी ए सी। तो हमने गिवन लिख लिया, इन ट्रायंगल एबीसी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी। अब मिड पॉइंट है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, बस वही हमने लिख दिया, ए इक्वल टू बी एंड ए एफ इक्वल टू एफ सी या सी एफ। ठीक है, मिड पॉइंट्स है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब आ जाते हैं प्रूफ के ऊपर, सॉरी प्रूफ के ऊपर, प्रूव हमें करना है पैरेलल। मिड पॉइंट थ्योरम है, अगेन मैं बता रही हूँ ये मिड पॉइंट थ्योरम है। तो मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव कैसे करना है, ई एफ पैरेलल टू बी सी एंड ई एफ इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम बन जाएगी। अब यहाँ पे हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन भी करनी है। कंस्ट्रक्शन किस लिए करेंगे, ई एफ को हमें बी सी के पैरेलल दिखाना है। पैरेलल कहाँ होते हैं, पैरेलोग्राम में होते हैं। अब पैरेलोग्राम बनाने के लिए हमें यहाँ कंस्ट्रक्शन करनी है। ई एफ को हम ड्रॉ करेंगे, एक आगे एक पॉइंट और ले लेंगे, यहाँ एक पॉइंट लेंगे, इसको हम आगे तक एक्सटेंड करेंगे, फिर इसको यहाँ सी से ज्वाइन कर देंगे। तो करते हैं पहले, तो हमने कर लिया, ई एफ को एक्सटेंड किया, तो इस पॉइंट का एक नाम दे देते हैं, इसे हम दे देते हैं डी। ई एफ को हमने एक्सटेंड किया है डी तक, और डी को फिर सी से ज्वाइन कर दिया, इस तरह से ज्वाइन किया कि हमारी बी ई पैरेलल हो जाए सी डी। बस इसी चीज को हमें कंस्ट्रक्शन में लिख देना, एक्सटेंड ई एफ, या एक्सटेंड लिख लो या फिर लिख लो ड्रॉ ई एफ टू डी, ई एफ टू डी एंड ज्वाइन डी टू सी सच एज बी ई पैरेलल टू सी डी। हो गया, अब आ जाते हैं हम प्रूफ के ऊपर। सबसे पहले हमें पैरेलल के ऊपर ध्यान देना है, ई एफ को हमें पैरेलल दिखाना है, तो इट मींस हमें बी सी डी ई को पैरेलोग्राम प्रूव करना है। क्लियर? अब हमें जो जो गिवन है उस पर ध्यान देते हैं। हमें गिवन है ई एफ पैरेलल टू बी सी, सॉरी ये तो हमें प्रूव करना है, और दूसरा प्रूव करना है हमें ई एफ हाफ ऑफ बी सी। अब देखिए इसमें दो ट्राइंगल्स हमें गिवन है, ए ई एफ एंड सी डी एफ। अगर इन दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें किसी तरह से, तो इनके कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स सी पी सी टी से अदर पार्ट्स को भी हम इक्वल कर दें, तो कुछ पैरेलोग्राम के अंदर हम उनका यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये लाइन बी ई सी डी एंड एफ डी ई एफ, ये यहाँ यूज़ हो जाएंगे पैरेलोग्राम में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दो ट्रायंगल्स को लेते हैं, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो देखिए इन ट्रायंगल ए ई एफ एंड ट्रायंगल सी डी एफ, अब इन दोनों में क्या क्या हम ले सकते हैं, देखिए ए एफ इक्वल टू सी एफ, ये हमारे पास गिवन है, ए एफ इक्वल टू सी एफ।
ये हो गया गिवन। अब देखिए ये जो एंगल है ये एक्स बन रहा है ना, तो ये दोनों एंगल जो होंगे इक्वल हो जाएंगे, हो जाएंगे। इनके नेम दे देते हैं वन एंड टू, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू। और ये रीजन क्या देंगे इसका, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब देखिए, अब एक साइड ले ली हमने, एंगल ले लिया। अब नेक्स्ट क्या ले हम, ये दो एंगल्स ले सकते हैं, ये वाला एंगल एंड ये एंगल। ये हम कैसे लेंगे, देखिए बी ई पैरेलल सी डी हम यहाँ कंस्ट्रक्शन में लिख चुके हैं, यहाँ लिखा हमने बी ई पैरेलल सी डी। तो बी ई पैरेलल सी डी है और हम इसको एक ट्रांसवर्सल मान ली सी ए को या ए सी को, तो इसकी ये दो एंगल्स बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। यस, तो इनका नेम दे देते हैं थ्री एंड फोर। एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो बस अब ये दोनों हमारे जो ट्रायंगल्स हैं, दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ए ई एफ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी एफ, सी डी एफ बाय विच रूल। ये देखिए, ये एक एंगल हमने लिया, ध्यान से देखिए, एक एंगल ये, फिर हमने ये साइड ली, उसके बाद ये एंगल लिया। ठीक है, तो एंगल साइड एंगल बन जाएगा बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंस रूल। क्लियर, अगर ये दो ट्रायंगल्स इक्वल है, अब इसके अदर पार्ट्स देख लेते हैं। तो ई एफ इक्वल टू डी एफ हो जाएगा बाय सी पी सी टी, तो लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज ई एफ इक्वल टू ई एफ इक्वल टू डी एफ। और क्या कर सकते हैं इसमें, ए ई है जो हमारा, ये लाइन है ए इक्वल टू सी डी, ए इक्वल टू सी डी, रीजन दे देंगे बाय सी पी सी टी। ठीक है, तो अब ये हमारा यहाँ पे प्रूफ हो जाता है बाय सी पी सी टी से। अब एक चीज जो ध्यान देने वाली है, ए इक्वल टू हमने सी डी कहा, लेकिन हमारे पास गिवन में ध्यान से देखिए ए इक्वल टू बी ई गिवन है, ए इक्वल टू बी, तो यहाँ लिखेंगे बट ए इक्वल टू बी ई गिवन। ठीक है, इसको ये वाली इक्वेशन है जो हमारी, ये वाली इक्वेशन, इसको हम वन मान लेंगे, इसको हम टू, फ्रॉम वन एंड टू कंपेयर करेंगे, फ्रॉम वन एंड टू, ए ए कॉमन है तो क्रॉस हो जाएगा, करके नहीं दिखाना क्रॉस, बस आपको ये पता होना चाहिए जो कॉमन चीज होती है उसको हम रिमूव कर देते हैं, सी डी इक्वल टू बी ई हो जाता है। अब देखिए सी डी और बी ई कहाँ है, सी डी ये लाइन इक्वल टू बी ई, अगर ये लाइन दोनों इक्वल हमने बता दी, और कंस्ट्रक्शन जब हमने लिखी थी तो इसको हम पैरेलल भी बता चुके थे, जब एक ही लाइन इक्वल भी है और पैरेलल भी है, बी इक्वल टू सी डी एंड बी पैरेलल टू सी डी, तो बस ये हमारी कॉन्ग्रुएंट, ये हमारी जो है एक पैरेललोग्राम प्रूव हो जाती है बी सी डी ई। तो यहाँ लिखेंगे सी डी पैरेलल बी सी, क्योंकि ये हम कंस्ट्रक्शन में लिख चुके हैं, सी डी पैरेलल पैरेलल लिखेंगे, सी डी पैरेलल बी सी बी ई बाय कंस्ट्रक्शन। तो बस अब हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर वो ट्रायंगल जो हमारी ये क्वाड्रिलेटरल है, ये हमारी बन जाएगी पैरेललोग्राम बी सी डी ई, देयरफॉर बी सी डी ई इज अ पैरेललोग्राम। तो देखिए अगर ये हमारी एक पैरेललोग्राम बन गई बी सी डी ई, तो अब हम इसमें ये जो ED है ये हमारी BC के पैरेलल हो जाएगी और BC के इक्वल भी हो जाएगी, तो लिख देंगे सो ED इक्वल टू BC एंड ED पैरेलल टू BC। ठीक है, रीजन क्या है, BC
डी ई एक पैरलोग्राम है, तो सारी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हो जाएंगी। नाउ अब पैरलोग्राम तो हमने प्रूव कर ली, अब देखिए फिगर में देखिए, ये जो हमारी ई डी है इसके हम दो पार्ट कर सकते हैं, ई एफ प्लस एफ डी कर सकते हैं। तो बस अब हम इसका यूज करेंगे, ये जो ई डी है हमने लिखा ई डी इक्वल टू बी सी। नाउ ई डी इक्वल टू बी सी, वी कैन राइट ई डी ई एफ प्लस एफ डी, ई एफ प्लस एफ डी, टू इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया ई डी को, ठीक है, इक्वल टू बी सी। अब देखिए जो हमारी एफ डी है, यहाँ पे हमने ये भी लिखा था ये एफ डी है, ये किसके इक्वल है, ई एफ के इक्वल है, बाई सी पी सी टी में हमने लिखा था, यहाँ पे लिखा था ये, तो बस यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे ई एफ प्लस ई एफ इक्वल टू बी सी। अगर आपको रीज़न देना है तो यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ई एफ इक्वल टू डी एफ या एफ डी, ठीक है, यहाँ पे लिख चुके हैं। अब देखिए ये टू ई एफ हो जाएगा, टू ई एफ इक्वल टू बी सी, और ई एफ इक्वल टू वन बाय टू मल्टीप्लाई में है तो राइट में जाके क्या हो जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। तो हमें प्रूव क्या करना था, इफ ई एफ इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, हमने लिख दिया ई एफ इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। और सेकेंड हमें क्या प्रूव करना था कि ई एफ जो है पैरेलल टू बी सी है, तो ये भी हम प्रूव कर चुके हैं। अगर हमारी ई डी पैरेलल टू बी सी है तो ई एफ तो पैरेलल हो ही जाएगी बी सी के, क्योंकि वो उससे मिड पॉइंट है, उससे पहले आ रहा है ये पॉइंट, तो पूरी पैरेलल लाइन होगी ना ये। अगर ए डी बी सी के पैरेलल है तो ई एफ भी बी सी के पैरेलल हो जाएगा, एंड ई एफ पैरेलल टू बी सी, ई एफ पैरेलल टू बी सी, हेंस प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था। इसमें चाहे तो आप एक चीज़ और लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने क्या कहा, इसमें पूछा क्या था इसने कि ये थर्ड साइड के क्या है, टू लाइंस के जो ये मिड पॉइंट्स है ये थर्ड साइड के पैरेलल है, तो इसमें हमने जिस तरह से यहाँ पे प्रूव करने के लिए लिखा है सेम टू सेम हमें यहाँ पे ऐसे ही लिखना है, ठीक है। तो ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम थी, यहाँ पे फिनिश होती है। अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथमेटिक्स।